पश्चिम बंगाल सीएम ममता बेनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में एदुर्दెబ్బ తగిలింది बीजेपీఎం కార్యకర్త ప్రియాంక శర్మను తక్షణమే విడుదల చేయకుంటే కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని మమతా సర్కార్ని సుప్రీం హెచ్చరించింది। అంతేకాదు మమతా బెనర్జీపై వివాదాస్పద ఫోటోను ఫార్వర్డ్ చేసిన ప్రియాంక శర్మ అరెస్ట్ ఏకపక్షమని ఉన్నత న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది। ఆమెను జైలు నుంచి విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది। से पहले उनसे एक स्टेटमेंट साइन करा गई, जो कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि उनके रिलीज होने से पहले उनको जो भी पुलिस कहेगी वो साइन कर देंगी। पर उससे ज्यादा जो दुविधाजनक बात है और जिससे हम लोग बहुत परेशान थे वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑर्डर था इस देश के कि आप इस लड़की को इमीडिएटली रिलीज करिए, और पुलिस और वेस्ट बंगाल ने 24 घंटे या 18 घंटे उसके बाद लगाए एक और रात उस जने ने स्पेंड करी जेल में, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव कंटेंडेड इन आवर मेन पिटीशन, तो हमने कहा ही है जो हम जुलाई में बहस करेंगे कि उसकी डिटेंशन रिमांड सब इलीगल था। पर ये अपने आप में एक बड़ा सीरियस मुद्दा है कि कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद स्टेट उसको एक दिन तक रिलीज नहीं करती, ऐसा क्या हुआ?